देखा हातिम बिनताई, मैंने क्या कहा था? इन दोनों को इसी तरह मरना था। आखिर तुम हो कौन? क्या तुमने बिच्छू बनकर एक आदमी को डसा, फिर सांप बनकर काफिलों वालों की जान ली, फिर बैल बनकर बाजार में तबाही मचाई, और अब एक खूबसूरत औरत की शक्ल में इन दोनों भाइयों की जान ले ली? आखिर तुम कौन सी बला हो? मैं बला नहीं हातिम, मौत हूँ। मौत? मौत? हाँ मौत, जिसकी मौत जिस शक्ल में लिखी होती है, मैं उसी शक्ल में उसको लेने पहुंच जाती हूँ। तो क्या तुम ये बता सकती हो कि हमारी मौत किस शक्ल में होगी? नहीं, क्योंकि ये बताने का मुझे हुक्म नहीं है। अच्छा, ये तो बता सकती हो कि हमारी मौत कब होगी? इसका भी हुक्म नहीं है। मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि हर जानदार चीज को एक न एक दिन मरना ही है। ये तो हम तुमसे अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर इस बात की फिक्र छोड़ो कि तुम कब मरोगे, और जिस मकसद के लिए निकले हो उसे पूरा करने की कोशिश करो। खुदा तुम्हारी मदद करेगा। या खुदा, तू तो जानता है हमारा एक ही मकसद है। दरवेश का दूसरा सवाल, सच्चे को हमेशा राहत है। बादशाह आई और मलिका को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। खुद हातिम की शोहरत चारों तरफ फैली हुई थी, इसलिए न जाने कहां कहां से शहजादियों के पैगाम आने लगे। मगर हातिम हमेशा अपनी शादी की बात टाल देता। एक दिन बगदाद की मलिका, गुलनार की सफीर भी अपनी मलिका की शादी का पैगाम लेकर आई। बादशाह ताई ने बहुत दिन उन्हें अपने मेहमान बनाए रखा, मगर उनके पैगाम का जवाब नहीं दिया। इसलिए एक दिन थककर वो उनके दरबार में जा पहुंची। मलिका आलिया, बगदाद की सफीर आपकी खदमत में हाजिर होने की इजाजत चाहती है। भेज दीजिए। मलिका यमन का इकबाल बुलंद हो, 3 दिन हो गए आपके मेहमान नवाजी में, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। आपकी खातिर में कोई कसर तो नहीं रह गई? नहीं नहीं मलिका आलिया, मगर जिस मकसद से आई थी वो अभी तक अधूरा ही है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या जवाब दें। शहजादा यमन शादी के लिए राजी नहीं हुए। मगर मलिका आलिया, शहजादे के लिए बगदाद की शहजादी गुलनार बानो से अच्छी शरीके हयात और कोई हो ही नहीं सकती। खुदा ने उनको जैसी सूरत दी है वैसी ही सीरत भी दी है। आज तक किसी गैर मर्द की नजर उनके चेहरे पर तो क्या, उनके नाखून पर भी नहीं गई है। ये सब तो ठीक है बहन, लेकिन हम शहजादे को कैसे समझाएं? मलिका आलिया, रोजाना अरब के न जाने कितने ही शहजादों के पैगाम आते रहते हैं, मगर हमारी शहजादी को किसी में दिलचस्पी ही नहीं है। वो तो बस शहजादे यमन की सखावत और जवां मर्दी के किस्से सुन सुनकर उनसे रिश्ते की तमन्नाएं हैं। हमें आपकी शहजादी के एहसासात का ख्याल है, मगर हातिम आपकी शहजादी से ही नहीं, किसी भी लड़की से शादी करना नहीं चाहते। लेकिन, और हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। ओह, जैसी मलिका यमन की मर्जी, जाते जाते एक गुजारिश है, एक बार अपने शहजादे हातिम को जरूर बगदाद भेजिए। मुझे यकीन है हमारी शहजादी को देखने के बाद वो अपना इरादा जरूर बदल देंगे। जरूर, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे हातिम की दुल्हन शहजादी बगदाद की तरह खूबसूरत और नेक हो। और हाँ, शहजादी बगदाद को हमारा पैगाम जरूर दीजिएगा कि एक न एक दिन हम अपने शहजादे को
बगदाद भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया मलिका आलिया, शुक्रिया। कनीजो, मेरी सनोवर को जो भी पकड़ कर लाएगा उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। ओए माँ, अल्लाह छेड़ती रहती, अल्लाह ओए माँ छेड़ती रहती, ये कनीजे मुझे हमेशा कुछ ना कुछ। अल्लाह अल्लाह, मलिका आलिया की खिदमत में आदाब, मलिका आलिया की सारी भलाई मुझ पे आ जाए, अल्लाह करे। मलिका आलिया, यमन जाने वाली सफीर वापस आ गई है, आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहती है। भेज दो। जो हुकुम। आदाब। आए अल्लाह। ये लीजिए मलिका आलिया, आपका सनोवर। सुल्ताना जी। मलिका आलिया, इन कनीजों को 100 अशर्फियां बख्श दी जाए। जो हुक्म। मलिका बगदाद की खिदमत में आदाब कबूल हो। कहो राबिया, यमन का सफर कैसा रहा? जी, लगता है लंबे सफर ने तुम्हें काफी थका दिया है। जी वो इतनी जल्दी भी क्या थी, आज भर आराम करके हमसे कल महल में मिल लेती। बात कुछ ऐसी है मलिका आलिया कि मैं बेझिझक कहो राबिया, हम सुनने के लिए बेचैन हैं। कह क्यों नहीं देती? तुम खामोश क्यों हो राबिया? हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि शहजादे यमन ने हमारा पैगाम कबूल कर लिया। इस नाचीज के मुंह में खाक हो मलिका आलिया, शहजादे यमन ने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या क्या बक रही हो राबिया? कहीं तुम अफ्यूम का नशा करके तो नहीं आई? मैं बिल्कुल होश में हूँ मलिका आलिया। तो फिर शायद तुम्हारी चर्ब जबानी को सांप सूंघ गया होगा, या तुम शहजादे हातिम के सामने हमारे हुस्न का पूरा नक्शा खींचने में नाकाम हो गई होगी। मैं अपनी चर्ब जबानी का उस वक्त इस्तेमाल करती जब शहजादे हातिम मुझसे मुलाकात करते। उन्होंने तो मुझसे मिलना ही मुनासिब नहीं समझा। साफ साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारी शहजादी से मुझे शादी करना ही नहीं है। या खुदा, इतना गुरूर। देखिए, उसने हमारा पैगाम ठुकरा कर हमारे बेमिसाल हुस्न की तौहीन की है। शहजादा हातिम वो मर्द है जिसे हमने कभी देखा भी नहीं, और वो हमारे दिल के दरवाजे को तोड़ते हुए हमारी रगों में समा गया। हम उसे हासिल किए बगैर नहीं रह सकते। अगर उसे अपनी जवां मर्दी पर गुरूर है तो हमें भी अपने हुस्न पे नाज है। आज नहीं तो कल हम उसे पाकर ही रहेंगे, फिर चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। है आज किसी की आंखें निकाली जाने वाली हैं। अरे भाई, अपनी पर्देदार मलिका पर कोई नजर डालेगा तो उसको सजा मिलेगी ही। मगर वो है कौन? होशियार, खबरदार, मलिका गुलनार तख्ते शाही पर जलवा फरोज हो रही है।
शहर, मुजरिम का जुर्म और हमारा फैसला सबके सामने दोहराया जाए। हर खासो आम को अच्छी तरह मालूम है कि हमारी मलिका के चेहरे की तरफ देखने वाले की आंखें निकाल ली जाती हैं। इसके बावजूद भी मुजरिम मुश्ताक जुबैर ने जानबूझकर मलिका आलिया के चेहरे को देखने की गुस्ताखी की, इसलिए मलिका आलिया का हुक्म है कि आज सरेआम इस मुजरिम की आंखें निकाली जाएं। रहम, मलिका आलिया, रहम। इस लाचार पर रहम हो मलिका आलिया। अब्बा, मैं सचेता हूँ मलिका आलिया, मेरा बेटा मासूम है, बेगुनाह है। मलिका आलिया, अगर उसने आपको देखा भी था तो किसी बुरी नजर से नहीं। इसे बख्श दीजिए मलिका आलिया, इसे बख्श दीजिए। मलिका आलिया, ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। इस अंधे की लाठी है लाठी, अगर ये लाठी अंधी हो गई तो इस अंधे को सहारा कौन देगा? इस बूढ़े लाचार पर तरस खाइए मलिका आलिया, इस बूढ़े लाचार पर। चुप कर बदबख्त बूढ़े, आंखों से देख नहीं सकता और जबान कैसी की तरह चलाता है। अब अगर ज्यादा शोर किया तो तेरे बेटे की आंखों के साथ साथ तेरी जबान भी कतर के रख दी जाएगी। काट दो, अरे सिर्फ मेरी जुबान ही क्यों, मेरा गला भी काट दो, जला दो, लेकिन मैं जीते जी अपने बेटे पे जुल्म होने नहीं दूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो। अरे ऊपर वाले, मैं तो अंधा हूं ही, क्या तू भी अंधा हो गया है? क्या तुझे भी ये जुल्म दिखाई नहीं देता? क्या सभी ऊपर वाले जालिम होते हैं? ये ऊपर बैठी हुई मल्लिका मेरे बेटे की आंखें निकलवा रही है। और तू सबसे ऊपर बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहा है। याद रख, इस बूढ़े ने जिंदगी भर तेरी इबादत की है, अंधा होते हुए भी हर रमात तुझे और सिर्फ तुझे ही देखा है। तो फिर क्यों नहीं रोटता उन हाथों को जो अंधेरा बनकर मेरे बेटे की तरफ बढ़ रहे।